कहते हैं देश में कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन देखकर ऐसा कभी नहीं लगता। अभी आजम खान को जब जेल ले जाया जा रहा है, परिवार, उसका बेटा और उनकी पत्नी भी साथ है, तो देखिए आजम खान के जेब में पेन लगा हुआ है और हाथ में मोबाइल है। जबकि एक आम आदमी को जब जेल ले जाया जाता है तो उसे अपनी सभी चीज़ें बाहर छोड़ के जानी होती हैं, और ख़ासकर कोई भी नुकीली चीज़ वो अपने साथ जेल में नहीं ले जा सकता। जबकि आजम खान के और आजम खान के बेटे दोनों की जेब में पेन लगे हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, और आजम खान के हाथ में मोबाइल भी दिखाई दे रहा है। क्या मोबाइल ले जाना जेल के अंदर जायज़ है? क्या कानून हमें मोबाइल ले जाने की इजाज़त देता है? ये देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कानून और पुलिस आजम खान की गुलाम है। कानून सबके लिए बराबर नहीं है, बड़े और छोटे में यहाँ कानून फ़र्क करता है, पैसे वाले में और नेता में और एक गरीब आदमी में कानून फ़र्क करता है।